हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड 72 किलोमीटर की स्पीड से फैल रहा है और ये चीज पिछले 13.8 बिलियन सालों से चल रहा है और इतने विशाल ब्रह्मांड के हर सदी में लाखों घटनाएं होती रहती है और इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में तो हमें पता ही नहीं चल पाता और हम ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मिस कर देते हैं और इस बात का अफसोस हमें जिंदगी भर रहता, क्योंकि ऐसी घटना जिंदगी में हमें सिर्फ एक बार ही देखने मिलेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये सब कोई प्रेडिक्शंस नहीं बल्कि ये सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट 99% भविष्य में घटने वाला है। इनमें से सबसे पहली घटना इसी साल 12 दिसंबर को होने वाला है। इस दिन बृहस्पति और शनि ग्रह एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएगा और इनके बीच की दूरी महज हमारे चांद के अपेरेंट डायमीटर की 1/5 होगी। ये आखिरी बार इतना करीब साल 1623 में आया था और यकीन मानिए ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, हम इस चीज को अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, इसके लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत होगी। लेकिन टेलीस्कोप से याद आया, साल 2021 में यानी कि अगले ही साल नासा एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेलीस्कोप बना लेगा जिसकी कीमत 66,000 करोड़ की होगी। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि नासा इतने सारे पैसे इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल इसकी मदद से हम आज के समय में रहकर 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के तुरंत बाद की घटनाओं को जान सकेंगे। और शायद आप में से बहुत लोगों को उस टेलीस्कोप का नाम भी पता है, और अगर पता है तो उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इस टेलीस्कोप के लॉन्च से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज 2024 में होने वाला है, क्योंकि इसी साल SpaceX मंगल ग्रह में इंसानी बस्तियां बसाने के लिए जरूरी सामानों को मंगल में भेजेगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो मंगल सोलर सिस्टम का दूसरा ऐसा प्लैनेट बन जाएगा जहां इंसान रह सकेंगे। साल 2027 में हमें पिछले 10,000 सालों में हुई अब तक की सबसे लंबी सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, जो लगभग 6 मिनट 28 सेकंड तक चलेगा। जब साल 2029 का जिक्र होता है तो मेरी तरह स्पेस लवर्स के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है एपोफिस। ये एस्ट्रॉइड इसी साल धरती के बहुत ही करीब से गुजरेगा। इस समय धरती से इसकी दूरी 35,000 किलोमीटर की होगी। पर एक डरा देने वाली बात तो ये है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इस समय लगभग 2.4% चांस रहेगा कि इसकी टक्कर हमारी धरती से हो। पर अगर हम इससे बच जाते हैं तो साल 2034 में लियोनिड मीटियोर शावर देखने मिलेगा। उस समय रात में आसमान का नजारा बहुत ही खूबसूरत होगा। पर इससे भी मजेदार बात तो ये है कि इस मीटियोर की बरसात एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 24 दिनों तक चलता जाएगा। मगर अगली घटना के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि 8 सितंबर 2040 में 432 साल बाद मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून एक साथ एक लाइन में आएगा और इस अलाइनमेंट में हमें ये सभी प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेगा और हम इस अद्भुत इवेंट को बिना किसी टेलीस्कोप से अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। ऐसा फिर से साल 2492 में होगा, पर इस समय 5 नहीं 8 ग्रह एक लाइन में होंगे, जिनमें से ग्रह हमारी धरती भी होगी। पर उस समय इस इवेंट को देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर 2052 को हमें 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सुपरमून देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल मून के साइज और ब्राइटनेस से काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और इसके बाद अगला बड़ा इवेंट जुलाई 2061 को होने वाला है, जब दुनिया का सबसे फेमस हैलीज कॉमेट 76 साल बाद वापस आएगा। और इसके ठीक एक साल बाद यानी कि साल 2062 में मार्स का पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास होगा। लेकिन इसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कम और प्रेडिक्शन ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्तियां सक्सेसफुली बसा पाना कोई मजाक नहीं है। मगर इस बात को SpaceX के फाउंडर इलोन मस्क ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। मार्स पर हम कैसे इंसानी बस्तियां बसाएंगे उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है। इस वीडियो के आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब अगली इवेंट की बात कर लेते हैं, जो साल 2065 में होने वाला है। इस साल शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह को ऑकल्ट करेगा, यानी कि अगर आप टेलीस्कोप से वीनस को देख रहे होंगे तो उस समय जुपिटर उसके सामने से गुजरेगा। ऐसा कुछ आखिरी बार 1818 में हुआ था, लेकिन साल 2075 में अभी तक की बताई गई सबसे रेयरेस्ट इवेंट होगा, जब 90377 सेंडा नाम का एक ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सूरज के बहुत ही करीब होगा, जिस वजह से हमारे साइंटिस्ट को धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर से ऐसे किसी प्लैनेट के बारे में स्टडी करने का मौका मिलेगा। और जो इस प्लैनेट को सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसके बाद ये प्लैनेट इतना करीब 12,000 साल बाद आएगा। और आखिरी घटना जो हमारे लाइफ टाइम में घट सकती है वो साल 2083 में होगा, जब हमारे बाइनरी स्टार 5V में मौजूद दो सितारे की टक्कर से एक नया सितारा फॉर्म होते हुए दिखेगा, जिसका नजारा रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत होगा। और इसके आगे के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हम में से ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम इन इवेंट्स को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले ये बात जरूर बता के जाना कि
कि इन सब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में से आपको कौन सा इवेंट सबसे अनोखा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।